हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और आसानी से बनने वाली चिकन ड्रमस्टिक फ्राई। ये जो रेसिपी है दावत स्पेशल है, ईद आने वाली है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए, यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, इसे वॉश कर लिया है। एक चिकन का पीस लेंगे और उसे इस तरह से कट लगा लेंगे। यहाँ पर बहुत ही कम तेल यूज करेंगे, बिना ओवन के हम चिकन ड्रमस्टिक फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें दरमियान कट लगा लेने हैं। ये देखिए, इस तरह हमने सभी चिकन में पीसेस में कट लगा लिए हैं। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून दही, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून टोमेटो सॉस, 2 टेबलस्पून मायोनीज। सभी मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1/2 लेमन जूस ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसे हम 1 घंटे के लिए ढककर साइड पे रखेंगे। अगर गर्मी है तो आप फ्रीज में रखें और अगर ठंडक है तो आप बाहर रख सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे 5 से 6 घंटे रखेंगे तो ज़्यादा मसाला अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए, अब यहाँ पर हमने एक पैन ली है, उसमें हमने 3-4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और अब हम इसमें चिकन के लेग पीस रख देंगे। ये देखिए, एक साइड से थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, फिर उसे हम टर्न कर लेंगे और ढक्कन ढक के 10 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। ये देखिए, 10 मिनट बाद अभी हमारा थोड़ा चिकन कुक नहीं हुआ है, इसे हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सभी चिकन को पीसीस को टर्न कर लेना है और 10 मिनट बाद इसे निकाल लेना है। तो ये देखिए, हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब इसे हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।